हेलो फ्रेंड्स, बाय बाय। अंदर भाई साहब, आप लोग अभी जो समुद्र देख के आए हुए हैं, समुद्र इसी का बगल में रिवर है। रिवर का नाम था चंद्रभागा। ये चंद्रभागा नदी पहले इसी जगह में थे और के बाद में इसको बोलते अर्क क्षेत्र। अर्क मतलब मैडम जी लोटस कमल फूल क्षेत्र में जगह। ये नदी के अंदर पहले जमाने कमल फूल थे। इसी फूल का ऊपर में उड़ीसा का राजा लंगड़े नरसिंह देव 1255 साल में 1200 कारीगर को लेके 12 साल में बनाया। 12 साल में जी सर, ये जो 1200 कारीगर आए थे मैडम जी, हेड कारीगर नेम ऑफ द विष्णु महाराणा स्वयं विश्वकर्मा ने, ये जो 1200 कारीगर को लेके आए थे मंदिर बनाने के लिए, हेड कारीगर इनका पत्नी को घर पे छोड़ के आए थे। इन्हें पत्नी के गोद में सिर्फ 2 महीने का बच्चा था, वो पैदा नहीं हुआ था। साहब यू नो महाभारत, अभिमन्यु माँ के गोद में जाने के लिए रास्ता पता था, आने के लिए नहीं था। जस्ट लाइक कहानी इसी तरीका है भाई साहब। याद रखिए, बेटा पैदा होके घर पे इनको ऑलरेडी 12 साल हो गया, तो यहाँ मंदिर बना के ऑलरेडी 12 साल हो गया। अच्छा, तो 12 साल के अंदर काम फिनिश होना चाहिए राजा का कीमत के हिसाब से, लेकिन 13 साल सुबह से यहाँ पे पूजा पाठ हो जाएंगे। मैडम जी 12 साल पूरे कम्प्लीट होने के लिए रात सुबह होने के लिए 2 घंटा बचाए तो राजा आया देखने के लिए। इसी के अंदर जो चारों मंदिर है ना, ऑलरेडी 3 मंदिर कम्प्लीट हो गया, लेकिन 1200 कारीगर मेन मंदिर को नहीं बना पाया, आधा बनाया। लेकिन राजा ने हेड कारीगर बोला 2 घंटा बचाए सुबह होने के लिए, तो मेन मंदिर हो नहीं पाएंगे, हम लोग किसी का बात नहीं सुनेंगे, सारी आदमी गर्दन तोड़ देंगे, राजा बोल के चला गया। भाई साहब ये जो महाभारत का कहानी बताते हैं, तो लड़का जो पैदा था घर पे, इनका नाम है धर्मा। धर्मा कौन है? स्वयं सूर्य भगवान। लड़का वो आके टीम का बीच में खड़े हो गया। जो बाप और बेटा का पहचान हो गया मैडम जी, ये सारी कहानी लड़का को 2 बार पिताजी ने सुना दिया। तो उसी टाइम लड़का बोला कि 2 घंटा टाइम तो मेरे लिए काफी है, लेकिन मेरे को 1 सेकंड टाइम चाहिए। सारी आदमी एक ही साथ बोले पागल है ये बेटा, पागल है, हम लोग को 1200 कारीगर 12 साल में नहीं किए और 1 सेकंड में कैसे बनाएगा। लेकिन पिताजी को पता था ये कौन है, क्यों आया है, किस लिए आया है। तो पिताजी ने जब हाँ बोल दिया ना, बेटा अंगुल रखने से पूरे मंदिर साहब कम्प्लीट हो गया। अच्छा, तो उसी टाइम से 1200 कारीगर दिमाग कुछ काम के नहीं, उन्होंने सोचा तो आज नहीं कल ही पता चलेगा कौन काम के, तो हाँ मर जाएंगे। तो हेड कारीगर को बोलो क्यों ना, वो लोग काम साथ में लेके आए थे मंदिर बनाने के लिए, इनका मतलब क्या है। तो हेड कारीगर जो बोल दिया ना, पिताजी ने बोल दिया बेटा तो धरित्र में नहीं रोकेंगे ना, ऊपर जाने वाली बेटा है ना सूर्य भगवान, उन्होंने बोला क्या हम लोग को 1200 कारीगर जिंदा चाहिए लेकिन बेटा नहीं चाहिए। तो 1200 कारीगर एक ही साथ में जय हो बोल दिए। तो उसी टाइम से लड़का ने क्या किया, पिताजी को आशीर्वाद लेके 1200 कारीगर को प्रणाम करके अपनी जो मेन मंदिर खंडित हो गया, इनका कलश कपड़े बैठ के तो सुसाइड किया नदी को। जब सुसर के ना नदी के साथ बेटा 3 किलोमीटर समुद्र किनारे में चला गया, तब ऑलरेडी इसीलिए मंदिर अपवित्र हो गया, पूजा पाठ नहीं होता है। अच्छा सर, सेकंड पॉइंट का जो थ्री स्टेज ऑफ लाइफ में जस्ट लाइक आदमी का 3 रूप होते हैं, पहला भाग बच्चा, इसी के बाद जवान, इसी के बाद बुढ़ेपा। यहाँ पे तीनों प्रतिमा भी जिंदा है। प्रतिमा मतलब सुबह का सूर्य होते हैं राइजिंग सन, दोपहर का सूर्य होते हैं मिड डे सन, शाम का सूर्य होते हैं सेटिंग सन, प्रभा सूर्य होते बच्चे का रूप, मध्यान्ह सूर्य होते जवान का रूप, अस्त सूर्य बड़े का। तीनों प्रतिमा भी बाहर में है लेकिन पूजा नहीं है। अच्छा मैडम, सेकंड पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। हम लोग को भारत में जो सुबह से सूर्य आते हैं शाम को डूब जाते हैं, जस्ट लाइक माँ का गोद में बच्चा पैदा होता है 10 महीना, जब बड़ी हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं। ये जो समुद्र आप लोग अभी देखे हैं, हमेशा हर साल हर महीना हर दिन एंगल ऑफ द सन मतलब सीधा नहीं तो ना कौन भाई साहब, क्लाइमेट मतलब वेदर के लिए और सीजन के लिए, पानी का 4 महीना होता है, पानी के बाद ठंडी आते ठंडी का होते 4 महीना, ठंडी का होते गर्मी आते हैं गर्मी का 4 महीना। जब समुद्र के अंदर से सुबह से सूर्य निकलेंगे, जो बड़े रूप लेके ऊपर आ जाएंगे, इनका जो पहला किरण, याद रखिए इंडिया में किसी पे नहीं, ये जो मंदिर भी खड़े हैं ना भोग मंडप प्रेयर हॉल, इनका जो मुख्य द्वार इसी गेट में सूर्य का पहला किरण इसी गेट में गिरेंगे। अच्छा भाई साहब, दिस तो याद रखिए, दिस सनराइज कोणार्क, सनसेट से कन्याकुमारी। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या होता है माँ जी,
जिसको आप लोग सूर्य मंदिर बोलते हैं वो एक्चुअली सूर्य मंदिर नहीं है, यू नो दिस सन चैरियट मतलब रथ, बैल गाड़ी आपको मालूम है ना, दो बैल बैल दो पहिया है ना। और एक बात है बाबू जी, एक महीने में दो पंद्रह पंद्रह दिन होता ना, तो फिफ्टीन फिफ्टीन डे, जब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आपको पता है मैडम, आप लोग अभी अंदर जल से पता चलेगा, दिस इज द मून फॉर्टनाइट, दाएं तरफ गोल वाला पहिया बारात हुए, दाएं तरफ गोल वाला पहिया बारात हुए, शुक्ल पक्ष के लिए बारह, कृष्ण पक्ष के लिए बारह, तो बारह बारह चौबीस में दोनों तरफ बाएं तरफ दाएं तरफ, बाएं तरफ चार घोड़े दाएं तरफ तीन घोड़े, सात से घोड़े चौबीस पहिया, आप लोग अंदर जल से पता चलेगा, जस्ट लाइक बैलगाड़ी का मुझे रथ का डिजाइन समुद्र बना हुआ है। अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या होता है भाई साहब, ये आज का जमाने में देखिए सीमेंट और बालू मिला के दोनों काम कर रहे हैं भाई साहब, आप लोग अभी जो नया बिल्डिंग बना रहे हैं जो कुछ काम कर रहे हैं सीमेंट और बालू, लेकिन उसी टाइम जब 1255 सारी बालू थे लेकिन सीमेंट नहीं थे, अरे इतने सारे मंदिर 1200 कारीगर कैसा ही बनेगा, बिना कुछ काम के नहीं। तो राजा ने सोचा उसके दरबार में जो आयरन मतलब लोहे और मैग्नेट दोनों चीज है, ये आप लोग अभी अंदर जाने से पता ही चलेगा, नीचे के मैडम जी नीचे के पत्थर, इसी का लोहे, इसी का पर पत्थर, इसी का पर मतलब ऑयल मतलब चूना, सारी मंदिर कंट्रोल कहते हैं लोहे साहब, तो लोहा तो होता है जस्ट लाइक सिस्टर ब्रदर रिश्ता क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, माँ बाबा क्या रिश्ता क्या होता है आपको पता है, ये लोहा तो कौन से वाला खाना अच्छा लगता है, तो जो मेन टेबल था मेन टेबल का टर्म से याद रखे 53 टन मैग्नेट, और मैग्नेट आयरन सारी मंदिर भाई साहब कंट्रोल कहते हैं। तो उस टाइम जब भारत तो स्वतंत्र नहीं हुआ था किसी के राज्य ब्रिटिश मुगल और अंग्रेज आदमी ने, ये आप लोग अभी जो दरिया देख के आए हुए हैं इसी के अंदर उस टाइम जो पानी का जहाज बिजनेस के लिए इसी का बोलते एरोप्लेन, ये जो पावरफुल मैग्नेट है ना सारी जहाज को खींच के तोड़ देता था, तो इसीलिए लंदन सर का लड़का जो सोचता है इतना बड़ा पावरफुल मैग्नेट है ये इतना दूर से पानी ऊपर से जहाज को लेके आ जाता ना, वो जो मुगल और ब्रिटिश दोनों मिला के मुगल आदमी ने आयरन ले लिए और लंदन सर का मैग्नेट ले लिए, तो एक ही साथ में तीनों मंदिर गिर गया, अभी एक ही मंदिर बचा है। सर वही सरकार कुछ दिन के बाद में आया देखने के लिए 1903 में, तो कितना थोड़ा है और कितना बचा है, तो एक ही मंदिर बचा है ना, इसको बचाने के लिए इनका मन में थोड़ा सा दया भाव आ गया, लड़का जल इसको बचाने के लिए मंदिर का चारों दिशा दिशा समझते ना, ये चारों दिशा में चारों गेट थे, इसी के अंदर बचाने के बालू और पत्थर पर पैकिंग है सर बचाने के लिए, तो टूट नहीं जाए सर। और की बात है अभी भी बहुत सारे पत्थर टूट जाते हैं, क्यों समुद्र पास में है, हम जो बताता अभी जो काम चालू होता है मेरे को बोला सर ये क्या था पत्थर जो निकल जाते हैं, आज का जमाने तो आयरन है लेकिन तो बना नहीं पाएंगे, ऐसे सीमेंट और फेविकल दोनों मिला के पत्थर जल करें सर, दो साल तीन साल बाद फिर गिर जाते हैं फिर बनाते हैं, वही काम होता है सर। लास्ट पॉइंट क्या आता है सर, बोलेंगे आपसे पहले माफी मांगते हैं क्यों ना, जो कलाकृति के बारे में बताएंगे, दिस इज द थ्री स्टेज ऑफ लाइफ टेम्पल, जस्ट लगे आप पहले बच्चा किसी का जवान किसी का बुढ़ेपा, इसी में कलाकृति सर बच्चों के लिए मंदिर के चारों बाजू में छोटे छोटे हाथी घोड़े, द मिडिल पर्सन यंग ले दस इज द मून फॉर नाइट एर डार्क फॉर नाइट दस सृष्टि पुरातन सेक्सुअल फोटो एट प्रकोपुर, सबसे गौड़ान गणेश अपना माँ बाबा के लिए, बच्चों के लिए जवान के लिए बूढ़े के लिए। नाट्य मंडप लोग डांसिंग हॉल, आज का जमाने जो लड़की लोग को मैडम लोग को जो ऑडिशन होता है डांस के लिए, आपको अच्छी तरह पता है ओडिसी मणिपुरी कथकली डांडिया भरतनाट्यम कुचिपुरी, ये जो दयाल पर छोटे छोटे मूर्तियां सब खड़े हैं ना, ये मंदिर का चारों तरफ 128 किस्म का सारी नाचना मुद्रा है सर। और के बात है आप लोग को जितना मंदिर घूमने के लिए जाते हैं, आप लोग अभी पूरी देखे हैं मेन गेट में क्या देखा है, शेर और हाथी दोनों चीज, यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या शेर है बीच में क्या हाथी है भाई साहब, याद रखे नीचे हाथी के नीचे का आदमी लेटे हुए हैं, देखे सर इसका मतलब क्या होता है, दिस इज स्ट्रेंथ एंड वेल्थ दिस इज द किल द मैन सर, इसका अर्थ क्या होता है, शेर होते हैं ताकत, हाथी होते लक्ष्मी पैसा, सर आदमी होते ईगो मतलब अहंकार,
भगवान क्या बोलते हैं सूर्य भगवान जी, कि मेरे को जो दर्शन कर अंदर आते हैं, पहले अपना ताकत, अपना दौलत, अपना गर्व बाहर में छोड़ दो, अंदर अंदर भगवान मिलते हैं। ओके और साहब ये देखिए जो मंदिर के ऊपर में जो बाएं तरफ गेट आप देख रहे हैं, ये होते हैं पानी का चार महीना। सर बीच में अभी जो सीजन आते हैं चलते हैं ठंडी का चार महीना, उधर देखिए गर्मी का चार महीना। याद रखिए जो पूरे पाने के चार महीना सुबह से सूर्य आते हैं, पूरे 5 बजे सनराइज होता है, पहला किरण जाके बाएं तरफ जो पानी का चरम है ना, इसी गेट में 4 महीना तक किरण जाके मेन गेट में गिरेंगे। अभी जो आते हैं ठंडी के बीच में अभी जाते हैं, इसका और 1 महीने के बाद गर्मी के सीजन स्टार्ट हो जाएंगे 4:45। अच्छा ये देखिए जो मंडप आप देख रहे हैं, आप तो पूरी जगन्नाथ दर्शन करके आए हैं। जो मंदिर का दक्षिण गेट में जो पंडित जी लोग, बहुत सारे पंडित जी लोग बैठे हैं, यू नो दिस द मुक्ति मंडप। सर इसका मतलब क्या होता है, आज का जमाने लड़का लड़का लड़के जो गलत काम कर रहे हैं भाई साहब, थाना फांडी जमाना गया भाई साहब। पहले जो छोटे थे आप, उस समय इतना थाना पानी नहीं थे, अपना अपना गांव जो बड़े बड़े मुखिया बैठ के जो पंचायत होता है, पंचायत समझते रहे सर, ये मुख्य मंडप सर, ये जो देवाल सूखे खड़े है ना सर, ये तो प्रसाद बनने वाले किचन था सर। और एक बात सोचिए, आप लोग तो महाभारत सीरियल देखे, अर्जुन का ड्राइवर कौन हो, रथ का ड्राइवर कृष्णा भगवान जी, लेकिन ये रथ का ड्राइवर कौन है? आप लोग अभी जो पूरी मंदिर देख के आए हुए हैं, ये जो मेन गेट से अंदर घुसने से पहले बाहर में के काला वाला पिलर लंबे वाला खड़े है ना, ये पिलर होते हैं, नाम होते हैं अरुण, बस ये रथ का ड्राइवर आपका अच्छी तरह पता है। छत्रपति शिवाजी आया है देखने के लिए, वो भी पड़े हुआ था ना, यही से पंडित जी लोग बोला उठा के ले लिया, पूरी मंदिर का सामने रखेंगे सर। अच्छा यहाँ से फोटो ले लो पूरे मंदिर का, हम लोग दोबारा उधर है कि नहीं, आप लोग उधर घूम के जाने बाहर में सर, यही आप लोग आ जाए, मैं निकल रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारा मंदिर 1903 में लड़का थे इसके अंदर बालू पत्थर पर पैक किए थे बचाने के लिए। आइए प्रसाद भी लेते हैं, दिया भी जलाते हैं, ये सिस्टम पहला वाला। अच्छा ये जो सामने छोटे वाला मंडप आप देख रहे हैं, ये जब भगवान नहाने के बाद चंदन लगे होता है सर, ये सिस्टम थोड़ा कहता है। हाँ मैं आपको जो बताते जानकर सात घोड़ा के बारे में बताते हैं, ये देखिए पहला वाला एक, ये नंबर दो, इसमें जो पाँव बच्चा है 3 लाख 4, ये बाएं तरफ भाई साहब 4 घोड़े, दाएं तरफ 3 घोड़े, और ये जो पहिया देखते हैं ना गोल वाला, इसी लाइन पे 12 पहिया और उसका 12 पहिया, 12 12 24 पहिया, 7 10 पहिया आपके बाएं कड़ी बनते हैं। अच्छा और जो बात याद रखिए, हमने जो बताया आपको 20 स्टेज अलग अलग सर, बच्चों के लिए मंदिर के चारों बाजू में छोटे छोटे हाथी घोड़े, और सर आदमी का ऊपर का हिस्सा 25 फुट बीच में लगा हुआ है भगवान के पास, बच्चों के लिए जवान के लिए बूढ़े के लिए। ओके आइए, ये सारे पत्थर के अंदर में आयरन लगा के जॉइंट किए हैं, और जो प्लेन वाला पत्थर देखते हैं ना, हम जो बताते 2 साल का बाद गिर जाते हैं, इसको सीमेंट और फेविकल दोनों मिला के जॉइंट कर रहे हैं। अरे भाई साहब देखिए अमित ऊपर वाला, अरे उस तरफ ज्यादा है जो मोटे मोटे स्मोक आप देख रहे हैं ना, ये आप लोग अभी जो जगन्नाथ दर्शन करके आए हुए, इनका जो सत्यम त्रेतया द्वापर कली चार युग में यू नो दिस द 10 अवतार भगवान जी का, ये 8 स्मोक अंदर है ना, राम बलराम वामन मत्स्य कश्यप नृसिंह और बौद्ध, 8 अवतार हो गया। आप लोग अभी देखे अंगल में जो पकड़े हुए सुदर्शन चक्र, नो सर आने वाले कल के बदल रहे एक्सेल में बैठे, एक्सेल में देखे। हाँ जी जी सर, अच्छा वाला पहिया उधर सन लाइट का फोटो लेंगे जब इसका जमाने में मेडिकल द मेडिसिन द डॉक्टर, ये आपको तीनों चीज मिलते हैं। पहले जमाने में क्या थे, ये सिस्टम ने आयुर्वेदिक मेडिसिन थे, आज का जमाने जो मैडम लोग जो प्रेग्नेंट होता है 3 महीना 6 महीना 9 महीना तक अपना पति के साथ मेडिकल मास सूर्य की तरफ बच्चे भी 10 महीने में किसका नॉर्मल फायदा होता है, किसका सर्जरी होता है भाई साहब। ये जो रूम के अंदर जो औरत लोग खड़े आप देखे, ये जो औरत लोग खड़े बीच में जो रूम के अंदर में बच्चा प्रसव करने के बाद में नीचे आग लगा के सेक देते हैं मैडम, ये आज का दिन ज्यादा ही चलते है सिस्टम। चलो आगे चलो, अब याद आते जो 20 रुपए लोट के अंदर के पैसे का हाफ फोटो याद आता है,
सर यही पहिया सबसे अच्छा वाला पहिया ये है, इसी में डे विथ नाइट 24 आवर्स सन डाइट। सर कहते इसी के अंदर आप मोटे मोटे आठ स्ट्रोक है ना, याद रखे एक एक स्ट्रोक का कीमत है 3-3 घंटा होता है, मतलब 3 = 3 24 आवर्स हो गए भाई साहब, 12 घंटा का ले लीजिए। जो डाइट होते मोटे मोटा स्ट्रोक आप देखे हैं, एक औरत अगर आपके बेड पर सो गए थे तो सुबह से बेड पर बैठ के अलग स्ट्रोक है जो वहां तो करें। दो नंबर क्या देखते हैं, एक और नया बोल ससुर आए हैं, इनको सासू बुला रहे नहाने के लिए सुबह से। तीसरा पॉइंट कहते हैं घोड़ा के ऊपर बैठ कर देखो इंजय घूमने के लिए जा रहा है मेकअप हो रहा है सर डे नाइट। सर ये जो मोटे वाला गेट आप देख रहे हैं ना तो साउथ गेट बंद बंद ही हो गया, पूरे चारों गेट बंद किए हैं सर जी। साहब जी हमने जो बताया था अभी जो नया काम हो रहा है ना सर, ये देखिए जो बीच में जो सीमेंट रेड कलर सीमेंट एंड फेब्रिकल दोनों मिला के नया पत्थर ज्वाइन कर रहे हैं सर, ऐसे की फोटो ले गए सर आपने। ये दोनों घोड़ा गेट का बाएं तरफ दाएं तरफ थे, गिनने के बाद वही रखा हुआ है सर। और के बात है आप लोग अभी अपना मोबाइल से योर बेटा के साथ मैडम के साथ योर फ्रेंड या तो फोन से बात होते हैं सर, आप जब छोटे थे तब फोन नहीं थे, फिर किसी से बात होता है लेटर चिट्ठी चिट्ठी सर। ये जो दाएं तरफ से घोड़ा आप देख रहे हैं ना रेड कलर छोटे वाला स्टाम्प, ये स्टाम्प का नहीं सॉरी ये स्टाम्प का नहीं, इसी का घोड़ा का तस्वीर। अच्छा सर एक्चुअली मेन टेम्पल सर ये देखिए इधर है जी, ये तो मेन सूर्य मंदिर ये है, यही मंदिर का हाइट था उस टाइम से 200 है, 227 फीट हाइट। ये जो मंदिर खड़े इसका हाइट 127, उसे 100 फुट लंबा थे। एक्चुअली यही मंदिर का कलश के ऊपर जो मैग्नेट थे, जो मैग्नेट उठा के ले मंदिर के साथ में तीनों मंदिर गिर गया। अच्छा यह हम जो बता अभी तीनों प्रतिमा जिंदा है, जो काला वाला मूर्ति आप देख रहे ना ये होते सुबह का सूर्य भगवान प्रभु सूर्य को बोलते हैं। अच्छा ये जो बीच में जो पहिया है ना ये नया वाला 10 रुपया से देखिए यही पहिया का फोटो सर, नीचे लिखा है सन टेम्पल कोना रख लिखा हुआ है जी। और ये चौथा नंबर जो पहिया आप लोग अभी देखे है ये सब 20 रुपये लोग के अंदर जगन्नाथ दर्शन करके आए हुए हैं। इनका जो सत्य युग में मोहिनी मोहिनी आप समझते ना, जो रूप लेके अंदर गए थे अमृत और विष दोनों चीज लेके आए थे, विष सारी बोले शंकर जी ने खा लिए थे, इनका नाम नीलकंठेश्वर जो अमृत जो देवता राक्षस मिला के समुद्र खाने के समुद्र मत है। फोटो जो डायरेक्टर साहब जी खड़ा है, ये जो मंदिर बने था राजा नरसिंह देव, इनका पत्नी का नाम है भानुमति, वो भी राजा रहे भारत के पहले गुरु बने के 12 साल में मंदिर बने थे, उसी टाइम जो 1200 कारीगर काम के इनका तो परिवार है, उनको खाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसी टाइम जो पैसे रुपए को थे लेकिन राजा ने खर्चे के 40 करोड़ गोल्डन कॉइन। अरे एक पैसे के फोटो ले लो 10 रुपए के नोट की तरह चक्कर बना लो, लेकिन नर्सिंग होम बता रही है मैंने टैक्सी में बैठे हैं ऊपर करके खड़ा है सर। ये जो बुढ़ा वाला आदमी गाड़ी वाला आदमी खड़े है ना, ये तो पुरुष का मित्र मैन का। हाँ सर ये ऊपर वाला देखिए हाथी जो बड़ा से लेके जा रहे हैं, अरे एलियन मैरिज सिस्टम, ये पहला सिस्टम थे, अभी तो सिस्टम कुछ भी नहीं। गाड़ी आ गया सत्य तृतीय दोपहर में सूर्य भवन का पहला पत्नी नाम इनका संध्या, बेटा के नाम तो जमराज और बेटी के नाम तो जमुना। नेक्स्ट कली में कौन आया, छाया सोनी का माँ छाया देवी सूर्य भवन का दूसरे पत्नी। सर सुनिए संध्या और छाया नाम दो है एक रूप एक ही है। अच्छा सर याद रखिए और एक बात, सत्य तृतीय दोपहर में सिर्फ धूप थे लेकिन छाव और जाड़ो नहीं थे, ये जो संध्या का दूसरे रूप लेके आया काला छाया, इसीलिए हस्बैंड और बेटा कोई रिश्ता नहीं है, बाप और बेटा कोई संबंध नहीं, केवल आसमानी घास करते सूर्य देव को है ना नहीं सर, इसीलिए ये छह देव का मंदिर। और सर ये जो 12 पाए उस तरफ देख रहे हैं आप लोग, दाएं तरफ जो 12 पाए देख रहे हैं पूरी
शायद देखो दर्शन करके आ जाइए। छाया देवी, छाया देवी की मूर्ति जवान करो मध्यान सूर्य इसको बोलते हैं। यह पत्थर बाहर में पड़े हुए ना सब जो अभी इसको छन छन के दो बार बना रहे सिर्फ पांच साल के काम में करेंगे। अच्छा अरे यहीं पे चलो दो एक मिनट बाद अस्त सूर्य मैं कलाकार है ना वाक्य कलाकारी कितनी है ना